और बेन की पाठशाला। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं? लो पूकी भी आ गया, अब तो और मजा आएगा। और ये तीन गोलों में किसके पैर हैं? ओह समझ गई, पर क्या आप समझे? हमें पहचानना है फ्रैंकेनस्टाइन का पैर। क्या पहला वाला पैर फ्रैंकेनस्टाइन का है? अरे नहीं, हमें तो तीसरा वाला लग रहा है। बिल्कुल सही, ये है इसका पैर। ठीक है ना पूकी? अब हमें क्या पहचानना है? ये तो हाथ लग रहे हैं। लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन का हाथ कौन सा है, क्या आप पहचान सकते हैं? ये वाला तो नहीं लग रहा। ओह, ये वाला भी नहीं लग रहा। लगता है बीच वाला है। बिल्कुल सही पहचाना, यही है इसका हाथ। है ना पूकी? ओह, अब हमें क्या पहचानना है? अब हमें पहचानना है फ्रैंकेनस्टाइन का सर। क्या लगता है पहला वाला? बिल्कुल सही, ये है फ्रैंकेनस्टाइन का सर। हे, आपने फ्रैंकेनस्टाइन को फिर से जोड़ दिया। और देखो पूकी भी कितना खुश है। तो आज हमने सीखा शरीर के अंगों के बारे में, हमने सीखा पैर के बारे में, हाथ के बारे में और सर के बारे में। ये मॉन्स्टर मास्क। हेलो हेलो, क्या यहाँ कोई है? वहाँ क्या लिखा है? मेक मॉन्स्टर मास्क। तो चलो बनाते हैं, मजा आएगा। सर्कल यानी गोल आकार। इसमें भरा ग्रीन कलर यानी हरा रंग। अब हम इसमें येलो कलर से थोड़े से डॉट्स बनाएंगे और फिर बनाएंगे आंखें। अब बनाएंगे ब्लैक कलर से इसकी नाक। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ चोट का निशान। और आखिर में इसकी आंखों को पूरा बना देंगे। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। इसमें भरा पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग। अब इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे और अब लगा देंगे इसकी आंखें। ये कितनी फनी आंखें हैं। और अब हमने बना दिया इसका मुंह। दोस्तों इसमें मजा आ रहा है ना? मैं अपना वाला बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब इसमें येलो कलर भरेंगे। येलो कलर यानी पीला रंग। ऊपर बनाएंगे पहले बाल, अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ लगा दी इसकी आंखें। और ये बन गया। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों मॉन्स्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था। बाय बाय, ये बहुत ही मजेदार था। आज हमने सीखा शेप्स के बारे में, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये आपने कर दिखाया।
मैंगो को पहुंचना है गोल्डन बनाना तक। पहले उसे गुजरना होगा जादुई पेड़ से, फिर उसे पार करनी होगी शेप्स वाली दीवार, और फिर गुजरना होगा रेनबो रॉक से। मैंगो को यहाँ इकट्ठे करने होंगे 3 फ्रूट्स। वन टू थ्री। ये अगला पड़ाव है शेप्स वाली दीवार। इन्हें भरना है सही शेप्स में। मैंगो को सही शेप ढूंढकर दीवार की खाली जगह को भरना है। सर्कल यानी गोलाकार, पर ये यहाँ नहीं आ पाएगा। स्क्वायर यानी चौकोर, ये भी यहाँ नहीं आ पाएगा। चलो चलो मैंगो, दिमाग लगाओ। हाँ, ये तो लग गया। अगला पड़ाव है रेनबो रॉक। रेनबो में कलर भरने हैं। मैंगो को रेनबो में कलर्स भरने होंगे, वो भी सही ऑर्डर में। रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी नारंगी, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, इंडिगो यानी गहरा नीला, वायलेट यानी बैंगनी। शाबाश मैंगो, तुमने कमाल कर दिया। चलो अपने इनाम वाला बनाना ले लो। ये थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज हमने सीखे नंबर्स 1, 2, 3 और शेप्स ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, और सीखा रेनबो के कलर्स के बारे में। मॉन्स्टर मास्क। हेलो हेलो, क्या यहाँ कोई है? वहाँ क्या लिखा है? मेक मॉन्स्टर मास्क। तो चलो बनाते हैं, मजा आएगा। सर्कल यानी गोल आकार। इसमें भरा ग्रीन कलर यानी हरा रंग। अब हम इसमें येलो कलर से थोड़े से डॉट्स बनाएंगे, और फिर बनाएंगे आंखें। अब बनाएंगे ब्लैक कलर से इसकी नाक। अब बनाएंगे इसका मुंह, और यहाँ चोट का निशान, और आखिर में इसकी आंखों को पूरा बना देंगे। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। इसमें भरा पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग। अब इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे, और अब लगा देंगे इसकी आंखें। ये कितनी फनी आंखें हैं। और अब हमने बना दिया इसका मुंह। दोस्तों इसमें मजा आ रहा है ना? मैं अपने
अपना वाला बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब इसमें येलो कलर भरेंगे। येलो कलर यानी पीला रंग। ऊपर बनाएंगे पहले बाल। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ लगा दी इसकी आंखें और ये बन गया। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों मॉन्स्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था। बाय बाय। ये बहुत ही मजेदार था। आज हमने सीखा शेप्स के बारे में। सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये आपने कर दिखाया। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से नीले सेब। ये तो ठीक नहीं है। सेब होते हैं लाल। ये बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से नीले केले। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। केले होते हैं पीले। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से बैंगनी संतरे। एक मिनट, ये सही नहीं है। संतरे होते हैं नारंगी। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से गुलाबी नाशपाती। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नाशपाती होते हैं हरे। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से सफेद ब्लूबेरीज। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्लूबेरीज होते हैं नीले। तो आज हमने सीखे कलर्स, रेड येलो ऑरेंज ग्रीन ब्लू। तो आज हमने सीखा लाल सेब के बारे में, नीले केले के बारे में, नारंगी संतरे के बारे में, हरे नाशपाती और नीले ब्लूबेरीज के बारे में। ये आपने कर दिखाया। मैं हूँ एक वैम्पायर, इसलिए मैं इस किले में रहता हूँ और ये शानदार केप पहनता हूँ। क्या तुम हमें काटोगे? हमारा खून पियोगे? अब हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। टमाटर के रस से काम चल जाएगा। वाह, ये फलों और सब्जियों के रस तो स्वादिष्ट लग रहे हैं। यहाँ चार तरह के रस हैं। मैंगो, क्या तुम ब्लैक के लिए टमाटर का रस पहचान सकते हो? पहचानो पहचानो, देखो देखो। जल्दी करो, समय समाप्त हो रहा है। लाल टमाटर का रस होता है लाल रंग का। अरे, ये चमगादड़ कहाँ चला? एक गाजर मिल जाए तो इस घर को पूरा कर देंगे हम। जरा इन फल और सब्जियों को तो देखो। ये देखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो बेन, कमिला की मदद करते हैं गाजर ढूंढने में। ध्यान रखो, समय कम है। नारंगी, आजा बाजा खाजा, जाकर फिट हो जा। हमने पूरा किया इस बहुत ही प्यारी जादुई घर को। हम जाने तो नहीं चाहते कमिला, लेकिन देर हो रही है। जाती जाती इसे अपने साथ यादगार के तौर पर ले जाओ। धन्यवाद कमिला, तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, धन्यवाद। चलो, अरे ये क्या है? जरा सुनो। रुको, रुक जाओ प्लीज। वुँ, वुँ। फ्रैंक का सर गायब है। वापस चलो, हम फ्रैंक के सिर के बिना दौड़ शुरू नहीं कर सकते।
जल्दी चलो। यहाँ तो बहुत सारे सिर हैं। इनमें से फ्रैंक का सिर कौन सा होगा? हमें जल्दी से ढूंढना होगा। मैंगो, क्या तुम फ्रैंक की मदद करोगे सिर ढूंढने में? चलो आगे बढ़ो। सोचो सोचो। जल्दी करो, समय कम है। हरा। ओह, आप अच्छे लग रहे हो। ये तो बहुत मजेदार है। चलो। आज हमने ब्लैक, कमिला और फ्रैंक की मदद की फलों, सब्जियों और शरीर के अंगों के बारे में सीखने के लिए। मॉन्स्टर मास्क। हेलो हेलो, क्या यहाँ कोई है? वहाँ क्या लिखा है? मेक मॉन्स्टर मास्क। तो चलो बनाते हैं, मजा आएगा। सर्कल यानी गोल आकार। इसमें भरा ग्रीन कलर यानी हरा रंग। अब हम इसमें येलो कलर से थोड़े से डॉट्स बनाएंगे और फिर बनाएंगे आंखें। अब बनाएंगे ब्लैक कलर से इसकी नाक। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ चोट का निशान। और आखिर में इसकी आंखों को पूरा बना देंगे। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। इसमें भरा पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग। अब इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे और अब लगा देंगे इसकी आंखें। ये कितनी फनी आंखें हैं। और अब हमने बना दिया इसका मुंह। दोस्तों, इसमें मजा आ रहा है ना? मैं अपना वाला बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब इसमें येलो कलर भरेंगे। येलो कलर यानी पीला रंग। ऊपर बनाएंगे पहले बाल। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ लगा दी इसकी आंखें। और ये बन गया। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों मॉन्स्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था। बाय बाय। ये बहुत ही मजेदार था। आज हमने सीखा शेप्स के बारे में। सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये आपने कर दिखाया। भागो, बारिश आने वाली है, नहीं तो हम भीग जाएंगे। ओह, खेलने का मन कर रहा है, तो चलो घर के अंदर ही कुछ खेलते हैं। पर हम क्या खेल सकते हैं? चलो कुछ डरावने मॉन्स्टर्स पेंट करते हैं। हो गया। बेन, तुमने पेंट कर लिया क्या? अरे मैंगो, तुमने तो बहुत अच्छे कलर्स किए हैं। बेन ने अपना मॉन्स्टर पूरा कर लिया। मेरा तो हो गया। अरे बेन, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। और मैंगो, वाओ, तुमने तो बहुत ही अच्छे कलर्स किए मैंगो। चलो इन्हें फ्रिज पर लगाएं। लगाओ मैंगो। बेन, तुम भी लगाओ। और अब मेरी बारी। तो हम सबकी पेंटिंग्स अब फ्रिज पर लग चुकी हैं।
वाह क्या बात है, ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना? चलो अब सोने चलें। हमारे पेंट किए हुए मॉन्स्टर्स कितने डरावने हैं ना? चलो अब इन तीनों की नींद उड़ाते हैं। कितने आराम से सो रहे हैं, इन्हें पेंट करने में बहुत मजा आया था। मैंगो, बेड के नीचे कोई डरावने मॉन्स्टर्स नहीं है, चलो सो जाओ। मानते क्यों नहीं मैंगो, बेड के नीचे मॉन्स्टर्स नहीं है, चलो सो जाओ। ये तो पेंटिंग वाले मॉन्स्टर्स है, ये जिंदा हो गए। अब हम क्या करेंगे बेन? वाह बेन, तुमने तो कमाल कर दिया। आज हमने सीखा मॉन्स्टर्स को पेंट करना, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। दोस्तों आज तो हमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम एनी के साथ सीखने वाले हैं मौसमों के बारे में। क्या बता सकते हैं ये कौन सा मौसम है? ये है विंटर यानी सर्दियों का मौसम। इस मौसम में हमें जरूरत होती है दस्तानों की, इतनी बर्फ में हमें बर्फ के चश्मे भी चाहिए होंगे, और साथ ही चाहिए होगा एक गर्म कोट, और आखिर में चाहिए जूते। ये सब चीजें हमें ठंड से बचाती हैं। ये और पता है ना दोस्तों, इस मौसम में हम स्कीइंग का मजा भी ले सकते हैं। ये आ जाओ दोस्तों। सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है, कौन सा मौसम है ये? ये है स्प्रिंग यानी बसंत, और इस मौसम में होती है चारों तरफ हरियाली और खिलते हैं सुंदर फूल, और हम सुंदर फूलों से बनाएंगे हेडबैंड। वाह कितना प्यारा है, देखो फूल खिल रहे हैं और चिड़िया गाना गा रही हैं। खरगोश खेलने के लिए बिल से बाहर आ गए, और सूरज भी चमक रहा है। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। ये कौन सा मौसम है? ये है समर यानी गर्मियों का मौसम। इस मौसम में चाहिए होता है स्विम सूट, सरौं, धूप का चश्मा और साथ में टोपी। चलो अभी ने जल्दी से पहन ले। मजा आ गया। इस मौसम में बहुत मजा आता है बीच पर बैठकर आराम करने में और तरबूज खाने में। लगता है हैलोवीन आने वाला है, इसका मतलब ये है ऑटम यानी पतझड़ का मौसम। अरे ये तो विच की टोपी है, और साथ में एक पोशाक भी है और एक केप भी है। चलो मैं इन्हें पहन लेती हूँ, मैं तैयार हो गई हैलोवीन के लिए। चलो ट्रीट्स लेने चलें। पर इस दरवाजे के पीछे क्या है, चलो देखते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, ये हमारे स्वागत के लिए आए हैं। आज हमने सीखा अलग अलग मौसमों के बारे में, विंटर यानी सर्दियों का मौसम, स्प्रिंग यानी बसंत, समर यानी गर्मियों का मौसम, और ऑटम यानी पतझड़ का मौसम। मुझे ये चारों मौसम बहुत पसंद हैं। मॉन्स्टर मास्क। हेलो हेलो, क्या यहाँ कोई है? वहाँ क्या लिखा है? मेक मॉन्स्टर मास्क। तो चलो बनाते हैं, मजा आएगा। सर्कल यानी गोल आकार,
इसमें भरा ग्रीन कलर यानी हरा रंग। अब हम इसमें येलो कलर से थोड़े से डॉट्स बनाएंगे और फिर बनाएंगे आंखें। अब बनाएंगे ब्लैक कलर से इसकी नाक। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ चोट का निशान, और आखिर में इसकी आंखों को पूरा बना देंगे। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। इसमें भरा पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग। अब इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे और अब लगा देंगे इसकी आंखें। ये कितनी फनी आंखें हैं। और अब हमने बना दिया इसका मुंह। दोस्तों इसमें मजा आ रहा है ना? मैं अपना वाला बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब इसमें येलो कलर भरेंगे। येलो कलर यानी पीला रंग। ऊपर बनाएंगे पहले बाल, अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ लगा दी इसकी आंखें, और ये बन गया। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों मॉन्स्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था। बाय बाय। ये बहुत ही मजेदार था। आज हमने सीखा शेप्स के बारे में। सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये आपने कर दिखाया। ये तो दुनिया का नक्शा है। चलो जाने दुनिया के 7 महाद्वीपों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। मैं सोच रही हूँ यहाँ कौन कौन से जानवर होंगे, चलो पता करें। वाओ, डॉल्फिन, पहाड़ी शेर। पता है ये लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। और ये है सील्स। क्या आप जानते हैं सील जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं? है ना मजेदार? अब जानेंगे दूसरे महाद्वीप के बारे में। ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका भरा हुआ है वर्षा वनों और अनोखे जानवरों से। ओह, ये तो एंट ईटर्स हैं। ये चींटियों को शौक से खाते हैं। अरे नहीं, क्या ये पिराना है? हाँ, ये वही है। अब जानेंगे तीसरे महाद्वीप के बारे में, जो है यूरोप। आओ देखें यहाँ कौन से जानवर हैं। यहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी भेड़। इनसे मिलते हैं ऊन और पनीर। अब जानेंगे चौथे महाद्वीप के बारे में, जो है अफ्रीका। आओ देखें यहाँ कौन से जानवर हैं। देखो ये गैंडा कैसे भाग रहा है। जानते हैं ये अफ्रीका के सवाना जंगलों में पाए जाते हैं। अरे हाँ, हम यहाँ के गुरेला यानी वनमानिश को कैसे भूल सकते हैं? अब बारी है पांचवे महाद्वीप की, और ये है एशिया। और यहाँ कौन से जानवर मिलते हैं? यहाँ होते हैं बड़े और शानदार हाथी। जब ये चलते हैं तो लगता है जमीन हिल गई। ओह, यहाँ जापान में बर्फ में रहने वाले बंदर लड़ रहे हैं। दोस्तों, लड़ना अच्छी बात नहीं होती। और इस पांडा को तो देखिए कैसे मजे से अपना खाना खा रहा है। बस भी करो, बहुत हो गया। अब चलते हैं छठे महाद्वीप की ओर, जो है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ कौन से जानवर हैं? ऑस्ट्रेलिया मशहूर है कंगारुओं के लिए। ये बहुत ऊंचा कूद सकते हैं। अब बारी है सातवें यानी आखिरी महाद्वीप की, जो है अंटार्कटिका। यहाँ 12 महीने बर्फ रहती है, और इस बर्फ में रहते हैं प्यारे से पेंगुइन्स। कैसे हो प्यारे दोस्तों, मजे कर रहे हो?
अरे यहाँ तो ध्रुवीय भालू भी है, ये भी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। बाय बाय, मजे करो और खुश रहो। हमने जाना 7 महाद्वीपों के बारे में। दोस्तों, इतना सब कुछ जानकर मजा आया ना? तो आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं डॉल्फिन्स, सील्स और पहाड़ी शेर। दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं एंटीटर्स और पिरानास। यूरोप में पाई जाती हैं शीप्स यानी भेड़। अफ्रीका में मिलते हैं गैंडे और गुरिला यानी वन मानुष। और एशिया में पाए जाते हैं पांडा, हाथी और बर्फ में रहने वाले बंदर। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं कंगारू। और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं पेंगुइन्स और ध्रुवीय भालू। हाय, मैं हूँ कमिला और मैं हूँ एक विच। शायद कोई आया है। एनी, मैं यही सोच रही थी कि अब तुम तीनों से कब मिलूंगी। अंदर आना चाहोगी? मैं एक नया जादू करने की कोशिश करने वाली हूँ। क्या तुम्हें याद है जब हम आखिरी बार मिले थे? हाँ याद है, तुमने मैंगो को एक उड़ने वाले बंदर में बदल दिया था। आब्रा कडाब्रा। ये क्या है? ये तो गोस्ट यानी भूत है। ये बहुत ही डरावना है। वाह कमिला, कुछ और भी करके दिखाओ। आब्रा कडाब्रा। ये तो वैम्पायर है। देखो, वो एक चमगादड़ बन गया। आब्रा कडाब्रा। देखो, अब कमिला ने फ्रैंकेनस्टाइन बनाया है। क्या ये सच में फ्रैंकेनस्टाइन ही है? आब्रा कडाब्रा। देखते हैं अब कौन आएगा। अरे ये तो मम्मी है। ओ, क्या ये इजिप्ट से आई है? आब्रा कडाब्रा। अब देखते हैं कौन आता है। वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव। बाय बाय यानी। पता नहीं था हैलोवीन इतना जादू भरा भी हो सकता है। हैप्पी हैलोवीन। कमिला ने अपने मजेदार जादू से हमें मिलवाया, एक भूत से, एक वैम्पायर से, फ्रैंकेनस्टाइन से, एक मम्मी और एक भेड़िया मानव से। मॉन्स्टर मास्क। हेलो हेलो, क्या यहाँ कोई है? वहाँ क्या लिखा है? मेक मॉन्स्टर मास्क। तो चलो बनाते हैं, मजा आएगा। सर्कल यानी गोल आकार। इसमें भरा ग्रीन कलर यानी हरा रंग। अब हम इसमें येलो कलर से थोड़े से डॉट्स बनाएंगे और फिर बनाएंगे आंखें। बनाएंगे ब्लैक कलर से इसकी नाक। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ चोट का निशान। और आखिर में इसकी आंखों को पूरा बना देंगे। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। Thank you.
इसमें भरा पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग। अब इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे और अब लगा देंगे इसकी आंखें। ये कितनी फनी आंखें हैं। और अब हमने बना दिया इसका मुंह। दोस्तों इसमें मजा आ रहा है ना? मैं अपना वाला बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब इसमें येलो कलर भरेंगे। येलो कलर यानी पीला रंग। ऊपर बनाएंगे पहले बाल। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ लगा दी इसकी आंखें और ये बन गया। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों मॉन्स्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था। बाय बाय। ये बहुत ही मजेदार था। आज हमने सीखा शेप्स के बारे में। सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये आपने कर दिखाया। तो देखो दोस्तों, ये है एक कलर बुक। आज हम इसमें बने चित्रों पर रंग भरेंगे। चलो इसे खोलें। ये है एक सेब। तो हम कौन सा रंग लेंगे? ये है लाल रंग, क्योंकि सेब होता है लाल। और क्या आप जानते हैं सेब में क्या खास बात होती है? एक सेब जो रोज खाए खुद को वो मजबूत बनाए। ये है एक केला। और केला तो सबको पसंद होता है। केले का रंग क्या होता है? बिल्कुल सही, केला होता है पीला। और केले में एक खास बात होती है। चलिए मैं आपको बताऊं। केला खाओ और सेहत बनाओ। चलो आगे बढ़ें। अगला है अंगूर। छोटे छोटे रस से भरे अंगूर। पर अंगूरों का रंग क्या होता है? बिल्कुल सही, बैंगनी। और पता है आपको, अंगूर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये है रस से भरे अंगूर। इनको आप खाएं जरूर। अब क्या है? ये है एक संतरा। इसमें कौन सा रंग भरें? इसका रंग होता है, हाँ, नारंगी। और अब जरा संतरे की खासियत भी तो सुनिए। चाहे इसको ऐसे ही खाओ या फिर इसका जूस बनाओ। ये है एक नाशपाती। चलिए इसमें भी रंग भरें। और नाशपाती का रंग होता है, हरा। और सभी फलों की तरह इसमें भी खास बात है। हरी भरी मैं नाशपाती खाके मुझको सेहत बनती। देखो जरा ये सब फल कितने प्यारे हैं। आज हमने इन अलग अलग फलों को अलग अलग रंगों से भरा। हमने किया सेब को लाल, केले का रंग था पीला, अंगूर थे बैंगनी, संतरा था नारंगी और नाशपाती थी हरी। कितना मजेदार तरीका है फलों और रंगों को जानने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। हाय, आज हम जानेंगे कि आकारों का इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं? हाँ, तो चलो जानते हैं। इन आकारों की मदद से हम कौन सा वाहन बना सकते हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगी आयताकार के बारे में। बेन बताएगा वर्गाकार के बारे में। और मैंगो बताएगा गोलाकार के बारे में।
वाह! और इन आकार के साथ हम बना सकते हैं एक सुंदर सी बस। देखा, आकार की मदद से कितनी सुंदर बस बनाई हमने। तो यहाँ हमने एक आयत, गोलाकार और वर्ग की मदद से बनाई एक बस। क्यों, है ना मजेदार और आसान? मॉन्स्टर मास्क। हेलो हेलो, क्या यहाँ कोई है? वहाँ क्या लिखा है? मेक मॉन्स्टर मास्क। तो चलो बनाते हैं, मजा आएगा। सर्कल यानी गोल आकार। इसमें भरा ग्रीन कलर यानी हरा रंग। अब हम इसमें येलो कलर से थोड़े से डॉट्स बनाएंगे और फिर बनाएंगे आंखें। अब बनाएंगे ब्लैक कलर से इसकी नाक। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ चोट का निशान और आखिर में इसकी आंखों को पूरा बना देंगे। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। इसमें भरा पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग। अब इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे और अब लगा देंगे इसकी आंखें। ये कितनी फनी आंखें हैं। और अब हमने बना दिया इसका मुंह। दोस्तों इसमें मजा आ रहा है ना? मैं अपना वाला बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब इसमें येलो कलर भरेंगे। येलो कलर यानी पीला रंग। ऊपर बनाएंगे पहले बाल, अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ लगा दी इसकी आंखें और ये बन गया। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों मॉन्स्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था। बाय बाय, ये बहुत ही मजेदार था। आज हमने सीखा शेप्स के बारे में, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये आपने कर दिखाया। अरे मैंगो, देखा तुमने कितनी डरावनी रात है? वो देखो वहाँ एक घर है, चलो घंटी बजाए। चलकर देखें इस घर के अंदर क्या है। अंदर आ जाओ और इन मॉन्स्टर्स की मदद करो इनका घर ढूंढने में। ये मम्मी टीके कहाँ रहती है? किले में, पिरामिड में, पेड़ पर या ताबूत में? सोचो सोचो और सही जवाब दो मैंगो, तुम ये कर सकते हो। जल्दी करो, हमारा टाइम निकलता जा रहा है। हाँ, पिरामिड, ये सही जवाब है। मम्मी रहते हैं पिरामिड में। अब बताओ कि कमिला द वेज कहाँ रहती है? समुद्री डाकुओं के जहाज में, किले में, कूड़े के डब्बे में या फिर टेंट में? जाओ बेन, तुम्हारी पारी है। जल्दी बताना बेन, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सोचो बेन, सोचो। किले में। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। कमिला द विच रहती है किले में।
और अब अगला सवाल। तो बताओ कि मकड़ी कहाँ रहती है? पिंजरे में, जाल में, एंटिल में या छत्ते में? तुम्हें इसका जवाब पता है मैंगो? जल्दी करो, समय निकल रहा है। सोचो और सही जवाब दो। हाँ, सही पहचाना। मकड़ी रहती है जाल में। मकड़ी को अपना जाल पसंद होता है। अब बताओ कि स्केलेटन कहाँ रहता है? किले में, पिरामिड में, पेड़ पर या ताबूत में? जाओ बेन, अब तुम जवाब दो। पर याद है ना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम्हें इसका जवाब पता है बेन? ताबूत में, ये सही जवाब है। सभी मॉन्स्टर्स अपने घर पहुंच गए, अब तुम भी अपने घर जाओ। अरे क्या, तो हम सब डरावना सपना देख रहे थे। तो हमने मदद की इन डरावने पात्रों को उनके घर पहुंचाने में। मम्मी रहती है पिरामिड में, मकड़ी रहती है जाल में, स्केलेटन रहता है ताबूत में और विच रहती है किले में। ये हमने कर दिखाया, हमने इन्हें इनके घर पहुंचा दिया। पता नहीं ये मैंगो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। अरे वाह, ये क्या है? शायद ये कोई खेलने की चीज है। हमें याद रखना होगा कि ये रंग किस क्रम में रोशन होते हैं। चलो मैंगो एक बार कोशिश करते हैं। नीला, गुलाबी, लाल। वाह मैंगो, तुमने सही पहचाना। चलो अब थोड़ा मुश्किल वाला खेलते हैं। लाल, गुलाबी, नीला, हरा, पीला। क्या तुम तैयार हो मैंगो? तो चलो शुरू करें। लाल, गुलाबी, नीला, हरा। तुम अच्छा कर रहे हो मैंगो, चलो आगे बढ़ो। नीला, अरे नहीं ये गलत है। चलो मैंगो तुम ये कर सकते हो, आओ दोबारा कोशिश करो। लाल, गुलाबी, नीला, हरा। आगे बढ़ो मैंगो। पीला, हमने कर दिखाया। तो आज हमने मैंगो के साथ खेला ये खेल, जिसमें हमने सीखे रंगों के क्रम। मॉन्स्टर मास्क। हेलो, हेलो, क्या यहाँ कोई है? वहाँ क्या लिखा है? मेक मॉन्स्टर मास्क। तो चलो बनाते हैं, मजा आएगा। सर्कल यानी गोल आकार। इसमें भरा ग्रीन कलर यानी हरा रंग। अब हम इसमें येलो कलर से थोड़े से डॉट्स बनाएंगे और फिर बनाएंगे आंखें। अब बनाएंगे ब्लैक कलर से इसकी नाक। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ चोट का निशान। और आखिर में इसकी आंखों को पूरा बना देंगे। वो, वो।
ट्रायंगल यानी त्रिकोण। इसमें भरा पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग। अब इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे और अब लगा देंगे इसकी आंखें। ये कितनी फनी आंखें हैं। और अब हमने बना दिया इसका मुंह। दोस्तों इसमें मजा आ रहा है ना? मैं अपना वाला बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब इसमें येलो कलर भरेंगे। येलो कलर यानी पीला रंग। ऊपर बनाएंगे पहले बाल। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ लगा दी इसकी आंखें और ये बन गया। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों मॉन्स्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था। बाय बाय। ये बहुत ही मजेदार था। आज हमने सीखा शेप्स के बारे में। सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये आपने कर दिखाया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एनी ये कहाँ ले आई? क्योंकि तुम देख सकते हो ये ट्रांसिल्वेनिया है और पता है यहाँ पर भूत रहते हैं बहुत सारे। यहाँ वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, विच और भी कई भूत रहते हैं। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? क्योंकि भूत प्रेत तो कहानियों में होते हैं और कहानियाँ तो बस मजे के लिए होती हैं। और यहीं से वैम्पायर्स की कहानी शुरू होती है। कैसल ब्रान। और यूं कि हम वहीं जा रहे हैं। क्योंकि हवेली में मिलकर मचाएंगे उधम बेवजह, क्योंकि आएगा बहुत मजा। ओए मैंगो, डर मत। क्या हुआ? तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? ये घंटी हैलोवीन के लिए परफेक्ट है, हम भी लगाएंगे। मैंगो डरो मत, सिर्फ घंटी है, बहादुर बनो मेरी तरह। ओ, आइए, स्वागत है आपका। ओ, ये तो स्वागत के लिए आए हैं। हमें आपकी हवेली देखनी है। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। ओ, अंदर आइए, मेरा नाम व्लैड है। कितनी सुंदर हवेली है। क्योंकि मुझे आपकी केप पसंद आई तो क्यों ना जरा एक सेल्फी ले ले हम? बिल्कुल। अरे आप फोटो में तो आए ही नहीं। सही कहा मैंगो, वैम्पायर्स फोटो में नहीं दिखते। क्योंकि बहुत भोले हो तुम, वैम्पायर्स असल में नहीं होते। पर हूँ मैं एक वैम्पायर, वरना मैं इस पुरानी हवेली में क्यों रहता? सोचो सोचो। तो क्या आप हमें काटने वाले हो? क्या तुम खून पियोगे? छी, खून कौन पीता है, मैं वेजिटेरियन हूँ। वैसे क्या तुम लोग आओगे मेरी शानदार जानदार पार्टी में? मेरी पार्टी में कभी कोई इंसान नहीं आया, तुम पहली हो। मैं तो रोज ऐसी पार्टीज में जाता हूँ। क्योंकि आपकी पार्टी तो बहुत कूल है। बेन, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने दोस्त ढिल्लू से। ये तो एक वेयरवुल्फ है। ओए की हाल है ब्रदर, तुम आओगे मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए? पर क्यों, ग्रुप में खिलाड़ी नहीं है क्या? अरे वाह, ये पहली बार है जब किसी को मेरा जोक समझ आया हो। पूरा ग्रुप हंस हंस के पागल हो जाएगा, चलो आओ। बेन का तो दोस्त भी बन गया।
कितना प्यारा बंदर है ये। तुम बिच हो है ना? हाँ, तुमको टोपी कैसी लगी? मेरी टोपी है मेरी पहचान है। मैं हूँ कैमेला। मैं एनी हूँ और ये है मैंगो। क्या तुम कोई जादू दिखा सकती हो प्लीज? क्योंकि मैंने पहले जादू कभी नहीं देखा। तो फिर देखो तुम जादू। जम मैंगो मैजिक कसम। वाह मैंगो, तुम्हारे तो पंख लग गए। क्या धांसू पार्टी चल रही है यहाँ पे? खिलाड़ियों देखो, उड़ते हुए बंदर से बचो। बच गए? बंदर को भी यहाँ पंख लग गए हैं, क्या बात। ये मटके के अंदर घुस के क्या कर रही है? ये अभी पता चल जाएगा। तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं खुश हुआ। तो बताओ कि मैं कौन हूँ, जल्दी से बताओ मुझे। यूं कि तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं, ना ही बाजू और ना ही शरीर। ओ हाँ, ये तो मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ। साथियों मैं आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, हुर्रे, वाह। ओए, ये अपना मैंगो मास्टर कहाँ चला गया? भयानक भूत को चुनने का। और आज के विनर हैं रोबोट स्पाइडर मंकी। छा गए तुम, क्योंकि तुम तो पार्टी के स्टार बन गए। तुम तो स्टार बन गए, अब सबको ऑटोग्राफ दो, छुपे कहाँ हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया व्लैड। तुम्हारी पार्टी में बहुत मजे आए हमें। तुमने पार्टी में आज रंग ही जमा दिया। ये पार्टी तुम्हें हमेशा ही याद रहे, उसके लिए मैं तुम्हें एक वैम्पायर केप देता हूँ। कितना सुंदर है ये, हम ट्रांसिल्वेनिया को कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। मस्त समय बिताया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इतनी बड़ी लॉलीपॉप, ये यहाँ कैसे आई? चलो मैंगो इसमें रंग भरते हैं। आओ ढूंढे गुलाबी रंग। क्या ये गुलाबी है? नहीं। इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ सही कहा, तुमने गुलाबी रंग ढूंढ लिया, बहुत अच्छे। वाह, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। चलो पीला रंग ढूंढे। सोचो सोचो। नहीं ये नहीं है। नहीं नहीं ये भी नहीं है। क्या ये है? हाँ ये पीला रंग है। वाह तुमने ढूंढ लिया, चलो इसमें पीला रंग भरे। वाह ये लॉलीपॉप कितनी सुंदर लग रही है। चलो ढूंढे लाल रंग। क्या ये लाल रंग है? हाँ तुमने लाल रंग भी पहचान लिया, बहुत अच्छे। लाजवाब। चलो हरा रंग ढूंढे। क्या ये हरा है? नहीं ये हरा नहीं है। क्या ये हरा है? नहीं ये तो पीला रंग है। क्या ये हरा है? हाँ ये हरा रंग है।
बहुत अच्छे, वाह, बिल्कुल सही। चलो नारंगी रंग ढूंढते हैं। क्या ये नारंगी है? नहीं, ये गुलाबी है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये है नारंगी रंग। क्या बात है, वाह। चलो ढूंढे नीला रंग। देखो क्या ये नीला है? हाँ, ये नीला है। तुमने सब रंग सही पहचाने हैं। वाह मैंगो, तुमने सारे रंग ढूंढ लिए और लॉलीपॉप में कितने अच्छे रंग भर दिए। अरे मेरे लिए रुको। ओह हाय मैंगो, कैसे हो तुम? क्या ये सब फल है? ओह देखो यहाँ रंग भी है। ओह ये क्या है? पीला रंग। मैंगो तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? भूरी डंडी और हरी पत्ती। ये है एक मैंगो यानी आम। अरे ये तो तुम्हारा नाम है। पीला रंग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मैंगो, अब कौन सा फल आने वाला है? चलो देखते हैं। वाह ये क्या है मैंगो बताओ? ये लाल रंग का है और चमकदार भी। इसकी डंडी भूरी है और पत्तियां हरी। ओह मैं समझ गई, ये फल मुझे बहुत पसंद है। ये है एक सेब। ये मुझे सेब बहुत पसंद है। लाल लाल सेब। अब अगला फल कौन सा निकाले मैंगो? सोचो। वाह ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ओह ये फल काफी बड़ा है, इसमें भरेंगे हरा रंग। मैं सोच रही हूँ ये कौन सा फल है मैंगो? इस पर थोड़े हल्के हरे रंग की धारियाँ भी हैं। बहुत खूब मैंगो, अच्छा लग रहा है ना? ये देखने में तो बहुत रस भरा लग रहा है, मजेदार। क्या तुम्हें समझ आया ये कौन सा फल है? ये है एक, हाँ ये है एक तरबूज और ये अंदर से लाल होता है। वाह और मुझे हरा रंग बहुत पसंद है। अच्छा बताओ क्या तुम्हें भी पसंद है? ओह चलो देखते हैं अब कौन सा फल बाहर आता है। ये देखने में तो एकदम गोल है और इसका रंग नारंगी है। ओह मैं समझ गई ये क्या है, और इसमें भूरी डंडी भी है और पत्ती तो हरी ही होती है। इस फल में थोड़ी खटास भी होती है। ये है एक संतरा। सही पहचाना तुमने, वाह शाबाश। वाह अब हमारे पास है आखिरी और खास फल। ये है बैंगनी। ओह मेरा पसंदीदा रंग। ये है हरी पत्ती और हरी डंडी वाला। अरे ये तो है एक अंगूरों का गुच्छा। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश तुमने सब सही पहचाना। मुझे उम्मीद है कि आपको भी फलों में रंग भरने में मजा आया होगा। बाय। आज हमने एनी और बेंट की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।